वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण फलों के खाने योग्य भाग के बारे में अध्ययन करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जिसके निम्न फलों के खाने योग्य भाग का नाम कौन सा होता है। फर्स्ट फल का नाम दिया है, यहाँ पर खाने योग्य भाग का नाम दिया है। फर्स्ट है मटर, मटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, भ्रूण या पूर्ण बीज भी खाया जाता है। नेक्स्ट है भिंडी, भिंडी का खाने योग्य भाग कौन सा है, पेरिकार्प था बीज संपूर्ण फल खाया जाता है। नेक्स्ट वीट, वीट गेहूं का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, भ्रूणपोष तथा भ्रूण होता है। नेक्स्ट मक्का, मक्का का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट काजू, काजू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, बीज पत्तर और मांसल पुष्प वर्णित होता है। नेक्स्ट लीची, लीची का बहुत बार कंपिटेटिव एग्जाम पूछा गया है, खाने योग्य भाग होता है मांसल एरिल होता है। नेक्स्ट है सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का बीज पत्र खाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं इमली, इमली का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, मध्य भित्ति, कौन सा होता है, मध्य भित्ति होता है। नेक्स्ट है नारंगी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, एक कुछ के रोम अंत भित्ति के रसदार भाग होते हैं। नेक्स्ट सेब, सेब एप्पल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, मांसल पुष्पासन, कौन सा होता है, मांसल पुष्पासन भाग खाया जाता है। नेक्स्ट नाशपति का खाने योग्य भाग होता है मांसल पुष्पासन होता है, सेब और नाशपति का। नेक्स्ट है खीरा, इसका खाने योग्य भाग है मध्य भित्ति था अंत भित्ति। और खरबूजा का खाने योग्य भाग मध्य भित्ति था अंत भित्ति। और लौकी यानी इन तीनों का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, मध्य भित्ति था अंत भित्ति होता है। नेक्स्ट अनार, और अनार का खाने योग्य भाग होता है रसदार बीज चोल, कौन सा होता है, रसदार बीज चोल भाग खाया जाता है। नेक्स्ट है मूंगफली, मूंगफली का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, भ्रूण व बीज पत्र होता है। नेक्स्ट है नारियल, नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट अखरोट, अखरोट का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, पालिवंत बीज पत्र होता है। नेक्स्ट आम, मैंगो का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, मध्य भित्ति खा जाती है, मैंगो की मध्य भित्ति खा जाती है। नेक्स्ट बेर, बेर का खाने योग्य भाग बाह्यतः मध्य भित्ति खाया जाता है। नेक्स्ट अंगूर, अंगूर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, फल भित्ति तथा प्लेसेंटा है। नेक्स्ट सुपारी, सुपारी का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणीय। अमरूद, अमरूद का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, फल भित्ति तथा प्लेसेंटा खाया जाता है। नेक्स्ट है केला, केला का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, फल भित्ति तथा अंत भित्ति होता है। नेक्स्ट है बैंगन, बैंगन का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, फल भित्ति तथा प्लेसेंटा होता है। और टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, फल भित्ति तथा प्लेसेंटा होता है। यानी टमाटर, बैंगन और केला, अमरूद इन चारों का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति तथा प्लेसेंटा होता है, जिसे बीच में केला की बात करें तो अंत भित्ति होता है। नेक्स्ट है अंजीर, अंजीर की बात करें तो मांसल रस खाया जाता है इसका। नेक्स्ट है अनानास, अनानास खाने के बाह्य रेकिस सहपत्र जुड़ा हुआ परिदल पुंज और फिल भित्ति खाया जाता है। नेक्स्ट है कटहल, कटहल का खाने का भाग होता है सहपत्र था परिदल पुंज था बीज भाग खाया जाता है। नेक्स्ट है सहतूत, सहतूत का खाने का भाग होता है परिदल पुंज तथा सहपत्र होता है। कमल, कमल का खाने का भाग कौन सा होता है, पुष्पासन था बीज चोल होता है। नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मांसल पुष्पासन खाया जाता है। नेक्स्ट शरीफा, शरीफा फल वितीता शिखर को छोड़कर खाया जाता है शरीफा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।